हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड्स। आज हम सीखेंगे एडेलिन नेटवर्क विद सॉल्ट एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एडेलिन नेटवर्क। आपका एडेलिन नेटवर्क होता क्या है? सो एडेलिन स्टैंड्स फॉर अडेप्टिव लीनियर न्यूरॉन, और एक आपका ऐसा नेटवर्क है जिसके पास सिंगल लीनियर यूनिट होती है, मीन्स इट इज़ अ लीनियर क्लासीफायर। अब अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझें, मान लीजिए आपके पास दो तरह की बॉल्स हैं, रेड एंड ब्लू कलर। तो लीनियर क्लासीफायर क्या करेगा? आपका लीनियर क्लासीफायर इन दोनों बॉल्स को सेपरेट कर देगा एक लीनियर लाइन से। तो यही होता है आपका एडेलिन नेटवर्क। इट यूजेस बाइपोलर एक्टिवेशन फंक्शन, और ये आपका बाइपोलर एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइपोलर एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, मुझे तो आता नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, बाइपोलर एक्टिवेशन फंक्शन कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है बाइनरी, बाइनरी में क्या होता था, वन और जीरो। अगर हम एक एग्जांपल समझें, अगर आपके पास दो केसेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कोई भी केस अगर पॉजिटिव होता है तो हम उसको बता देते हैं, यानी कि हम एक डिनोशन के लिए कि ये उसको डिनोट करे कि अगर वो टर्म हमारा पॉजिटिव है तो वन आएगा, अगर वो नेगेटिव है तो ज़ीरो आएगा। ये मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बाइपोलर में क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता। जैसे कोई वैल्यू है, अब हम सिंपली एग्जांपल समझ रहे हैं, तो मान लीजिए हमने कोई एक वेरिएबल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जेड है, तो ऐसे ही हम मान लेते हैं कि कोई जो एग्जांपल हम ले रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव किसी चीज़ की हम वैल्यू का निकालते हैं, तो अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो जो नेटवर्क है वो उसको बताएगा कि हाँ उसकी उसकी जो वैल्यू है वो वन है, अदरवाइज वो माइनस वन है। तो ये होता है बाइपोलर एक्टिवेशन फंक्शन। तो यानी कि या तो वो वन होगा या फिर माइनस वन होगा। इट यूजेस डेल्टा रूल। ये डेल्टा रूल का यूज़ करता है टू मिनिमाइज मीन स्क्वायर एरर। ये मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करने के लिए डेल्टा रूल का यूज़ करता है। तो किस किस के बीच में मीन स्क्वायर एरर निकालता है? ये एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड, यानी कि जो आपका टारगेट आउटपुट होता है उनके बीच में मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करता है यूजिंग डेल्टा रूल। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इनपुट लेयर होती है। इनपुट लेयर कुछ वेट्स गिवन होते हैं, तो उन वेट्स को हम नेट इनपुट फंक्शन में अप्लाई करते हैं, फिर उसके साथ एक एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके हम कुछ आउटपुट निकालते हैं। तो जो आउटपुट आता है उसको कंपेयर करते हैं हम टारगेट आउटपुट से। तो जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया उसको हम टारगेट आउटपुट से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो एरर आती है, हम जो मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं, जो एरर आती है उस एरर को हम नेटवर्क को वापस भेजते हैं और नेटवर्क से बोलते हैं कि अभी आपका जो आपने ट्रेन किया है उसमें इतनी एरर हैं, आप इसको अपने जो वेट्स हैं इनको दोबारा अपडेट कीजिए और एरर को ठीक कीजिए। तो नेटवर्क फिर दोबारा इनको ट्रेन करता है, फिर उसको दोबारा भेजता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब देखते हैं इम्प्लीमेंट एंड नॉट फंक्शन यूजिंग एडेलिन नेटवर्क। अब हमें एंड नॉट फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग एडेलिन नेटवर्क। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि एंड नॉट क्या होता है। तो जैसे एंड में होता है कि जब भी आपके दो इनपुट्स वन वन होंगे, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी आउटपुट वन आएगा। तो एंड नॉट में क्या होता है, एंड नॉट में होता है कि पहला वाला तो पॉजिटिव हो लेकिन दूसरा वाला नेगेटिव। ये केस, सिर्फ एक केस, पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, तभी मैं वन होऊंगा, यानी पॉजिटिव होऊंगा, अदरवाइज मैं नेगेटिव रहूंगा। ये एंड नॉट भाई बोलते हैं। तो ऐसी आपको टेबल याद कर लेनी है। तो टेबल में क्या होगा, देखिए, जैसे जब भी आपका एक्स वन वन होगा और एक्स टू आपका माइनस वन होगा, तभी आपका वाई यानी कि आउटपुट वन होगा, अदरवाइज आपका आउटपुट माइनस वन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है वेट्स एंड वायर्स को विद सम रैंडम वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में आप कोई भी रैंडम वैल्यूज आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 0.2 ले रहा हूँ, W1, W2 एंड वायर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली 0.2 एंड लर्निंग रेट को मैंने एज्यूम कर लिया 0.2। सबसे पहले इनपुट पैटर्न 1, 1 एंड -1 के लिए देखते हैं। तो इसका क्या मतलब है, x1 की वैल्यू आपकी 1 है, x2 की वैल्यू भी आपकी 1 है और टारगेट आपका -1 है। उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था डायग्राम में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट इनपुट निकालते हैं।
तो जैसे हमने नेट इनपुट निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है बायस प्लस डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू, तो इससे आपकी वैल्यू हो जाएगी नेट की। अब हम क्या करेंगे, एरर को चेक करेंगे टी माइनस नेट। टी माइनस नेट होता है हमारा एरर चेक करने के लिए। तो एरर इसने चेक की, तो ये अगर जीरो के इक्वल आती है, जीरो के इक्वल आती है तो मतलब है आपका जो एल्गोरिथम है और जो आपने नेटवर्क से ट्रेन किया है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जीरो के इक्वल नहीं आई, माइनस 1.6 आई है ना, तो ये जीरो के इक्वल नहीं आई, इसलिए यहाँ हम नेटवर्क को बोलते हैं कि अभी परफेक्ट नहीं है, दोबारा ट्रेन कीजिए। दोबारा ट्रेन करने के लिए हमें वेट को अपडेट करना पड़ता है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है इटली नेटवर्क के लिए, डब्ल्यू आई न्यू इक्वल डब्ल्यू आई ओल्ड प्लस एल्फा टी माइनस नेट एक्स आई। तो टी माइनस नेट हमने यहाँ पर निकाल लिया था जो आया था माइनस 1.6। अब हम डब्ल्यू वन न्यू निकालेंगे, डब्ल्यू टू न्यू निकालेंगे और बायस न्यू निकालेंगे। फॉर्मूला आपको गिवन है, तो ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम उसके बाद निकालते हैं एरर, कि टोटल एरर कितनी आई। तो एरर होती है, जैसे मैंने बताया था, मीन स्क्वायर एरर। तो हम जो एरर हमने निकाली थी टी माइनस नेट, उसको हम स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, तो एरर हो जाएगी 2.56। अब देखते हैं नेक्स्ट इनपुट पैटर्न 1 माइनस 1 एंड 1 के लिए। तो ये वही है पॉजिटिव केस, यानी कि जब एक्स वन 1 है यानी पॉजिटिव है, एक्स टू नेगेटिव है और टारगेट आपका पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, नेट इनपुट निकालते हैं पहले की तरह। नेट इनपुट निकालेंगे तो अब जो डब्ल्यू वन बायस और डब्ल्यू टू जो आएंगे, जो हमने पहले निकाले थे पिछले इनपुट के लिए 1, 1 और माइनस 1 के लिए, वो वैल्यूज़ यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो बायस कितना आया था माइनस 0.12, डब्ल्यू वन कितना आया था माइनस 0.12 और डब्ल्यू टू भी इतना ही आया था। तो इसके बाद हम निकाल लेंगे हम एरर। तो टी माइनस नेट कैलकुलेट करेंगे, टी माइनस नेट जीरो का इक्वल नहीं है, 1.12 आ रहा है, तो हम फिर वेट्स को अपडेट करेंगे। तो डब्ल्यू वन न्यू निकाल देंगे, डब्ल्यू टू न्यू निकाल देंगे और बायस न्यू निकाल देंगे। तो उसके बाद हमें एरर कैलकुलेट करनी है, एरर हो जाएगी ई इक्वल टी माइनस नेट का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फिर इसकी एरर कैलकुलेट कर लेंगे, तो एरर आएगी 1.25। उसके बाद हमें थर्ड इनपुट पैटर्न के लिए निकालना है। थर्ड इनपुट पैटर्न मतलब माइनस 1, 1 एंड माइनस 1। तो एक्स वन है आपका माइनस 1, एक्स टू है आपका 1 और टारगेट है आपका माइनस 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट कैलकुलेट करना है। नेट मतलब बायस प्लस डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू, वही पहले की तरह। फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या टी माइनस नेट जी को इक्वल है, टी माइनस नेट जीरो के इक्वल है, नहीं है। माइनस वन माइनस माइनस 0.34 इज इक्वल टू माइनस 0.66। इसके बाद हमें वेट्स को अपडेट करना है। वेट अपडेट कर दीजिए, डब्ल्यू वन न्यू निकालिए, डब्ल्यू टू न्यू निकालिए, बायस न्यू निकालिए। उसके बाद आपको एरर निकालनी है, एरर आ जाएगी 0.4356। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगले इनपुट पैटर्न यानी कि माइनस वन माइनस वन माइनस वन के लिए निकालना है। सिमिलरली जैसे पहले निकाला था, ऐसे ही हमको नेट कैलकुलेट करना है। नेट आ जाएगा 0.21, फिर एरर देखनी है कितनी एरर है, तो ये आ जाएगी माइनस 1.21 क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं है। फिर हमें वेट को अपडेट करना है, तो डब्ल्यू वन न्यू डब्ल्यू टू न्यू बायस न्यू, ये हम निकाल लेंगे तीनों। उसके बाद हम एरर कैलकुलेट करेंगे, एरर हो जाएगा, एरर हो जाएगा टी माइनस नेट का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1.47। तो ये हो गया आपका इपोक वन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इपोक क्यों बोला, ये जब हम नेटवर्क ट्रेन करते हैं, एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम इपोक्स बनाते हैं, मतलब उसको हमें कितने इपोक्स तक ट्रेन करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो आपको बताया, ये था इपोक वन, यानी कि जब आपने चारों इनपुट पैटर्न निकली एक बार निकाला, पूरा एक बार निकाला, तो हो गया इपोक वन। अब जब आप दोबारा से सेम, मतलब जैसे दोबारा आप ट्राई करेंगे, यानी कि जैसे हमने निकाला था सबसे पहले फॉर इनपुट पैटर्न 1, 1 एंड माइनस 1 के लिए, तो आप यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, फिर चारों निकालेंगे, तो फिर इपोक 2 कम्प्लीट होगा, ऐसे करके फिर इपोक 3 कम्प्लीट होगा। ठीक है, ये था इपोक 1। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है लिखने के लिए, तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं इपोक 1 तक ही। समझ में आया, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछे मुझसे, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो डाउट है एडलिन के न्यूमेरिकल से लेकर मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।